बिहार विधानसभा इलेक्शन के डेट्स की घोषणा हो चुकी है और हम निकले हैं पटना की सड़कों पे जानने के लिए कि लोगों की क्या राय है। चाचा अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कपिल साव। आप पटना में ही रहते हैं? रहते हैं पटना में, हम कारोबार करते हैं, बादाम बेचते हैं। कहाँ गांव कहाँ पड़ता है आपका? गांव पड़ता है कुर्था थाना अरवल जिला। वोट देते हैं? गांव मेरा घर हुआ अहमदपुर हरना पोस्ट लारी। वोट देते हैं? हाँ वोट तो देवे करते हैं। देंगे ऐसा थोड़े कि नहीं देंगे। काम किए नीतीश जी? काम किए हैं, रोड वोड सब तो निकालवे किए हैं। तो मतलब आप गांव वोट देने जाते, पटना ही रहते हैं, वोट देने के जाते हैं गांव? हाँ गांव में जाएंगे नहीं, वोट तो मेरा अधिकार है, काहे ना देंगे वोट। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। नाम बताइए। नाम भानु कुमार गुप्ता। पटना के ही रहने वाले हैं? जी हाँ। वोट देते हैं? हाँ देते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो देखिए बिहार में तो नीतीश के छोड़ा के अभी कोई ऐसा है नहीं, बाकी जो लोग हैं तो उन पर कम ही उम्मीद रखा जाता है, समझ गए ना, इसलिए हम लोग इस बार नीतीश को देंगे। नीतीश कुमार का काम ठीक लगता है आपको? हाँ काम ठीक है नीतीश कुमार का? हाँ काम ठीक है उनका। ऐसा क्या काम देखे आप यहाँ पे जो आपको लगता है ठीक है? ऐसा काम है कि जहाँ तहाँ रोड पाउड का ये सब का, पहले लालू के टाइम में इस तरह उतना रोड नहीं था, अभी जिधर देखिए उधर साफ सफाई, रोड क्लियर, बहुत सा ऐसा काम किए हैं, पुल तुल का, समझ गए ना, और कोई बात नहीं है, ऐसा तो दूसरा है भी नहीं कि बिहार को संभालेगा। धन्यवाद। नीतीश जी का सरकार बनेगा ना, अभी तो क्या करिएगा? कैसे पता आपको नीतीश जी का सरकार बनेगा? सरकार तो बनना ही उन्हीं का, जो भी बने क्या कीजिएगा, अब जिनका चुनाव होने के बाद जो पता चलेगा ना किनका सरकार बना नहीं बना, अभी हम लोग कैसे बन सकते हैं, उनका बनेगा या उनका बनेगा, इसके लिए तो नीतीश जी के काम से संतुष्ट हैं आप? सब कोई संतुष्ट है, तो रोड में अथी करवा ही दिए, सब कुछ हो ही रहा है। बहुत बहुत लोग मतलब बहुत लोग अभी खिलाफ है नीतीश जी, ये नहीं किए वो नहीं किए, आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो हो रहा है विकास के नाम पर तो उनका है ये है ना, देखिए रहे विकास हो रहा है और क्या होगा, यही सब हो रहा है। आपके क्षेत्र में कौन पार्टी का क्या लग रहा है, किसका दबदबा है? नीतीश जी का है, हम लोगों के घर तरफ भी नीतीश जी का है। सरकार तो हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार की ही बनेगी। काहे नीतीश कुमार? क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत से काम किए हुए हैं। बताइए क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार मोदी जी का आएगा। बिहार में किसकी सरकार आएगी? नीतीश जी के। वोट देंगे कि जो हमको देखता है, जिसको अन खा रहे हैं उसको देंगे का है। नीतीश जी देखते हैं आपको? हाँ तो देखते नहीं तो कैसे बुरा बल चावल है। तो बहुत लोग बोलता है नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं। वो गलत है, कहता है कि नहीं देता, वो गलत है, देता है। तो लगता है इस बार फिर नीतीश जी आएंगे? हाँ तो नीतीश सेंटर में रहेंगे मोदी जी, बिहार में रहेंगे नीतीश जी, दूसरा कौन चलाने वाला है? ये सरकार तो नीतीश एनडीए का ही आएगा। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि चूंकि विपक्ष का स्थिति ठीक नहीं है। क्या लगता है नीतीश जी का क्या काम करा है यहाँ पे ऐसा? देखिए काम तो हुआ है, लेकिन हम सब स्टूडेंट जीवन जीने वाले लोग हैं, उस अनुसार वैकेंसी तो नहीं आया, ये तो एक वाजिब है, उनसे भी ना खुश है, लेकिन विपक्ष भी ऐसा नहीं है जो उनको हम वोट दे सके, क्योंकि उनका भी जंगल राज 2 हमने देखा है, 1 भी देखा है और 2 बनने के बाद भी हमने देखा है। तो आपके जहाँ पे आप रहते हैं बेगूसराय में, आपको लगता है वहाँ पे मतलब कौन है, वहाँ पे किसका दबदबा है, कौन सी पार्टी का दबदबा? देखिए वहाँ पे तो एनडीए का ही दबदबा है। इस बार तो लग रहा है तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी आरजेडी का। क्यों लग रहा है आपको तेजस्वी? क्योंकि किसान मजदूर नौजवान सब हताश है इस सरकार में, अभी एनडीए की सरकार में, इसलिए लोग चाह रहा है कि न्यू विकल्प दें। जो एनडीए की सरकार है उसमें किसान या फिर शिक्षा की अवस्था हो या फिर हेल्थ के, सभी मतलब फेल है। तो आए तो थे नीतीश जी के साथ, तेजस्वी जी भी आए थे, तेज प्रताप भी आए थे, तो ऐसा क्या काम हो गया उस कार्यकाल में? तो पूरा कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है, कुछ दिन मतलब साथ में रहे उसके बाद फिर चले गए। क्या लगता है आपको गठबंधन क्यों टूटा था? गठबंधन अब तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। नहीं तो मतलब थोड़ा तो कुछ तो जज किए होंगे कि मतलब नीतीश जी अलग हुए, काहे अलग हुए? अब उनके क्या अंदर कारण क्या था वो तो वही बता सकते हैं ना। तो इस बार तेजस्वी जी? हाँ इस बार तेजस्वी यादव। हम चाहेंगे अब की बार एक नया चेहरा है, जो चेहरा युवाओं को लीड करे, प्रतिनिधित्व करे और देश के जो भविष्य है हमारे युवा आम और आवाम, वो
उसको आगे कर। चुनना होगा तो किसको चुनिएगा? चुनना होगा तो वैसे अभी हम फिलहाल हम चाहेंगे कि बिहार से युवा ही कोई बने आ गया, जैसे तेजस्वी यादव।